नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मुंबई के उपनगर मलाड ईस्ट में खड़े हैं और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। माता के दिव्य धाम के प्रख्यात इस मंदिर को देखकर पहली नज़र में तो यही लगता है कि हम वाकई जम्मू पहुंच गए हैं। हूबहू उसी तरह माता के दर्शन हेतु गुफाओं कंदराओं के बीच से होते हुए मुख्य मंदिर तक पहुंचा जाता है। माता का यह धाम जम्मू की पहाड़ियों के बीच होने का एहसास कराता है। नवरात्र में यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन 1100 कन्याओं की पूजा की जाती है। यह अखंड ज्योति माँ वैष्णो देवी के धाम जम्मू से लाई गई है। वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर भैरव बाबा के साथ साथ माता वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन होता है। इस मंदिर की स्थापना 18 नवंबर 1999 को की गई थी और 7 फरवरी 2001 को पूर्ण विधि विधान के साथ लोगों के दर्शनार्थ माता के किवाड़ खोल दिए गए। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद हमें गुरुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन के आखिर में बाहर निकलते समय माता के सभी 9 रूपों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। यह मंदिर बनाने का श्रेय गिरीश भाई शाह, जगदीश भाई, किशोर भाई वर्मा, अनिल भाई और हसमुख सेठ को जाता है।
दोस्तों, अगर आप भी इस मंदिर में माँ वैष्णो रानी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो मलाड स्टेशन ईस्ट में उतरने के पश्चात केवल वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट की दूरी पर ही यह मंदिर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।